बिहार में वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश से ही सड़कों पर पानी भर गया, इससे लोग बदहाल हो गए। सड़कों पर पानी लबालब होने से खासकर अस्पताल जाने के लिए महिलाओं, बच्चों और दूसरे मरीजों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। जांच के लिए आए कहां पे और क्या हुआ है? क्या देख रहे हैं आप? यहां रोड पे पानी जमा हुआ है। तो क्या परेशानी हो रही है आपको? ये आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि पगार ना मिलने से एम्बुलेंस ड्राइवर अचानक हड़ताल पर चले गए, इससे हालात और बिगड़ गए। आवंटन नहीं आया है, उधर 3-4 महीना का वेतन आवंटन का अभाव में नहीं मिला है, स्ट्राइक कर दिया है। क्या कुछ पहल हो रही है अपने असर से तो तोड़ने का? विभाग को सूचित करते हैं, आवंटन भेजिए। तो तकलीफ तो पेशेंट को होगा ना, जैसे खास कर डिलीवरी का पेशेंट है जिसको एम्बुलेंस लाने जाता है, घर छोड़ने जाता है, उसी में ज्यादा दिक्कत है। बाजार में दुकानदारों का कहना है कि उनका कारोबार ठप पड़ गया है। वो एक घंटे बारिश हुई है और ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद लग रहा है जैसे कि मतलब समुंदर रोड पे आ गया, जबकि नगर परिषद का नाला सफाई उड़ाई हर साल होता है। अब मुख्य सड़क है या सामने सदर हॉस्पिटल है, हम लोग कारोबार देखने में बैठ के पेंडिंग काम कर रहे हैं, कुछ ग्राहक है नहीं, सारा कारोबार ठप है। और सबसे ज्यादा तो महामारी फैलने का डर था, डेंगू का सीजन है अभी, अगर ये पानी लगा रह गया एक दो दिन तो डेंगू जाएगा। लोगों का कहना है कि हल्की बारिश होने पर भी पानी जमा होने की समस्या बार बार सामने आती है। उनका कहना है कि नगर निगम नालों की सफाई पर करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।